यही समय आप देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया की टीम जींदरानी तालाब पर मौजूद और यहाँ पर जो बेफजूल में जो यहाँ पर निकल रहे हैं उनको दंड बैठक करवाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यों ये निकले हैं घर से बाहर, क्या वजह है ऐसी, क्या काम निकले थे आप घर से? ये दुआ लेने आए थे। तो क्या हेलमेट वगैरह क्या कुछ भी जरूरी नहीं है? नहीं, बाईपास से लेने आए थे, वहाँ मिली छोटी मोटी दुआई। आपके कहाँ से हैं आप? पटाना गांव से। गांव में भी तो है दुआई? मेडिकल स्टोर है नहीं पटाना। क्या जी? गांव में मेडिकल स्टोर है नहीं। निडानी है, सिंधवी खेड़ा है, क्या एक भी मेडिकल स्टोर नहीं है पटाना गाँव में? क्या दवाई लेनी थी आपने? क्या दवाई लेनी थी आपने? हाँ जी। अरे छोटी छोटी गलतियों के लिए आप घर से नहीं निकलिए, इसमें पूरा देश लॉकडाउन है, आपको कितनी बार हम समझाएं लेकिन आप, आपके कान पे जून नहीं रेंगती हैं। आइंदा आइंदा यदि आप निकलते हैं, अभी रेंट बैठे के लिए आपको हवालात के अंदर करवा जाएगा, ठीक है? आइंदा नहीं निकलना आपने, ठीक है? आइंदा नहीं निकलना आपने। ऐसे हेलमेट और आप जरूरी, आप जो सामान आप उसको साथ में रखें, मास्क का आपका मास्क भी नहीं है, आप ध्यान रखें, आइंदा नहीं निकलेंगे ऐसे। पहले आगे दिखाओ आपका हेलमेट कहाँ पर, इमरजेंसी है आपका हेलमेट कहाँ? आपका हेलमेट नहीं पहने हुए इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से रोहताजी इसमें पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पर कागज दुकान पर छोड़ आए हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, लाइसेंस देख रहे हैं इसमें। हाँ जी, ओरिजिनल लाइसेंस। आरसी भेजिए। आरसी कहाँ है? ले भाई देख, हेलमेट का लगाओ तेरा हेलमेट का चलान। नहीं नहीं प्लीज, क्या आप, आपको जब इतनी हिदायत दी गई है आप इस समय, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ, सुनो, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ। वहाँ भी माइक में बोल, सुनो मेरी सुन, हेलो मेरी सुनी तेरे, मेरी सुनी तेरे, हेलो मेरी सुने, इधर आ जा भाई, हेलो छोटू इधर आ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, बात करो। मैं माइक में बोलता हूँ ताकि मैं देवलाल से बोलो, माइक सुनो, माइक बोलता हूँ ऊंचा ऊंचा बोलो, माइक बोलता हूँ भाई, हेलमेट लगाओ, ये लगाओ, बाहर नहीं निकलना कहता हूँ बार बार। लेकिन आप लोग जो है सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप लोग खुद ही मतलब दवाई वाले होकर सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपके पास कोई प्रूफ है नहीं, आपके पास कोई दवाई है? आप रानी तालाब पर आनंद लेने के लिए घूम रहे हैं, घूम रहे हैं कि हम जो असर को आनंद लेते हैं। तो हेलमेट क्यों नहीं है, कानून क्यों तो जुड़ा रहे हैं आप, क्या बात है? मिस्टेक रह गया सर शॉप पर जी, हेलमेट क्यों नहीं है? अगली बार आपको हेलमेट लगा हुआ मिलेगा सर। अभी चलान कट गया आपका? हमें सारा दिन मेडिसिन लेने आता है। सर कितने रुपए चलान कटा है सर, कितने रुपए का हेलमेट का चलान कटा सर? हेलमेट है जी सर, मशीन से पता लगेगा, कंप्यूटर से। जी जी सर, अगर डबल है तो डबल हो जाएगा। जी जी, कटा तो जी सर, सिंगल है पहले का बताना, 1000 रुपए कितना वो खुद बताएंगे। बिल्कुल। तो रोहताज जी यहाँ पर आप देख सकते हैं हिदायत भी दे रहे हैं, सभी को समझा भी रहे हैं। आपसी जो मनुष्यता तो धर्म होता, मानवता के कारण रोहताज जी बता भी रहे हैं कि आप ऐसी गलती नहीं करिए, लेकिन बार बार जींद की जनता क्यों ऐसी गलती कर रही है, क्यों नहीं सुधर रहे हैं? आज के जो युवा है, ये युवा साथी भी ये कह रहे कि हमसे गलती हो गई, आइंदा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे ना? नहीं सर। बिल्कुल। तो हेलमेट कहाँ आपका? आप आए हैं मेडिकल से आए हैं, तो हेलमेट कहाँ आपका? हेलमेट कहाँ भाई साहब? इमरजेंसी ड्यूटी है। इमरजेंसी ड्यूटी है तो क्या हेलमेट के लिए तो इमरजेंसी ड्यूटी नहीं सर, कोई इमरजेंसी ऐसी इमरजेंसी क्या सर? हेलमेट होना चाहिए ना आपका? जी सर, जी सर, जी जी, अरे अरे सर से बात करें, आप इस समय से कैसे बात करें? आप सरकारी कर्मचारी हैं जी, तो हेलमेट लगाइए और जाइए, क्योंकि आपको मैं हटा देता हूँ, आगे अगर हेलमेट होता है तो चलान कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए इनकी मानवता, इंसानी धर्म, रोहताज जी आपको बता रहे हैं कि आइंदा से, क्या आप आइंदा से गलती करेंगे? जी बिल्कुल, इस समय आप ये तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। अभी दो साथी और आए यहाँ पर, एक बार पूछ ले, ये अपना बिजली बोर्ड से, बिजली बोर्ड से पावर हाउस, बिल्कुल पावर हाउस का अथॉरिटी है, और हेलमेट पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, इनसे सीखिए आप, हेलमेट भी पहने हुए हैं, मास्क भी पहने हुए हैं, बहुत अच्छा। बिल्कुल जी जी, इन मैं आपको हटा देता हूँ, आप जरूर बिजली कर्मचारी हैं जी, इन रोडों पर बार बार मत आना। बिल्कुल, क्योंकि बीमारी बहुत भयंकर है, इसलिए मैं आपको हटा दे रहा हूँ, रोडों पर बार बार मत घूमना, आप अपने ऑफिस के अंदर ही इक्का दुक्का जगह रहना। बिल्कुल। अभी क्या किस काम के लिए आप आए हैं? सर मेरी बिजली घर में, अभी बिल्कुल बिजली घर में इनकी ड्यूटी है, अभी ये दिखा रहे हैं, लेकिन रोहताज जी फिर भी इनको कह रहे हैं कि आप कम से कम निकलें, ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, ग्राउंड मीडिया इसी प्रकार से हम ग्राउंड की रिपोर्ट आप सभी के सामने लेकर के आएंगे। जो 21 दिन के लिए पूरे भारत को लॉकडाउन किया गया है, जींद की स्थिति पल पल की जानकारी ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। यहाँ पर अभी क्या करने के लिए सर आप घर से बाहर निकले सर, गाड़ी में क्या करने के लिए निकले सर? परमिशन ले गया, किस उसकी परमिशन कहाँ आपकी? परमिशन दिखाइए एक बार सर, आप परमिशन चेक कीजिए एक बार सर, कागज चेक करिए एक बार। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप जी? परमिशन लेने जाओ। कहाँ से हैं आप? परमिशन लेने के लिए जाओ हो? डीसी ऑफिस से।
आप कहाँ से हैं? अभी तक तो नहीं लिया ना अपने परमिशन, किस चीज की परमिशन लेंगे आप? परमिशन क्या सर्विस करते हो? एडवोकेट हो ना, तो आप परमिशन लिए के बगैर आपको हमें दे रहे हैं, आगे ऐसे रोड पर मत घूमना। आप परमिशन है तो आप अड़ोगे अभी बार बार लेना, भयंकर बीमारी। भाई साहब क्या एक पूरा बाहर तो लॉकडाउन, आप ऐसी परमिशन के चक्कर में बढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं लोग बहाने बना रहे हैं और रोहतासी ऐसे बार बार समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं निकलना है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे। कान तक जू नहीं रेंग रही है उनके। एक बार रोहतास सिंह जी, एक्चुअली बच्चे का ना वो ट्रीटमेंट चल रहा है, इसमें मिशन हॉस्पिटल है ना, तो उसमें ट्रीटमेंट चल रहा है। नहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, पूरा लॉकडाउन है, इसलिए बहुत दिक्कत है, भारी दिक्कत है। हम लोगों को बार बार समझाते लेकिन आप लोगों को दिमाग में नहीं बात करना पड़ती, क्या बात है ये बताइए। लेकिन अगर दिमाग ही खराब हो तो सर उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हॉस्पिटल तो जाएंगे? नहीं हॉस्पिटल जाओ, दिमाग खराब मत करो आप, बच्चे का खराब है ना सर। अच्छा बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने के लिए अभी रोहतास जी आपको बता रहे हैं कि आप कम से कम निकलिए, आपको हिदायत दे रहे हैं, आपको मानवता के कारण मनुष्यता के कारण आपको बता रहे हैं। जी जी अवेयर है हम, जी जी आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, वैसे हम क्यों क्या पुलिस प्रशासन को समझाने की जरूरत नहीं है सर? पार नहीं करने की जरूरत हमें, वैसे अच्छा अच्छा लक्ष्मण रेखा जरूरत नहीं, यहाँ बहुत बढ़िया है, यहाँ आप अच्छी बात कही है, क्या हमें भी जरूरत नहीं है क्या समझाने की? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है आप जाइए, अभी ट्रीटमेंट के लिए अथॉरिटी है, इमरजेंसी के लिए जरूरी है, कागज दिखाए डॉक्टर सुरेश जैन को, इसमें आप ये देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की जो जानकारी हम देते रहेंगे अपने लिए ग्राउंड मीडिया के साथ, ग्राउंड मीडिया के लिए जिनसे मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।